नागिन का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में एक ही नाम आता है और वो है द वेरी गॉर्जियस मौनी रॉय का। लेकिन क्या आपको पता है कि टेलीविजन में एक और नागिन की एंट्री होने वाली है? अगर आप सोच रहे हैं कि हम कलर्स के शो नागिन की बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। खुद इन्हीं से सुन लीजिए कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं। अभी मैं नागिनों की देवी प्ले करूंगी एन टीवी के संतोषी माँ में, तो आई थिंक विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। डॉक्टर मधुमति फिनिश हो गया, अभी भी टेलीकास्ट चल रहा है और दो तीन दिन में हम लोग प्रोमो शूट कर रहे हैं। कल परसों प्रोमो शूट कर रहे हैं और उसके बाद से वी विल स्टार्ट शूटिंग। सो ये नागिन कितनी डिफरेंट होगी? ये बहुत ही ये नागिनों की देवी है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सोच समझ के इनकी कॉस्ट्यूम बनाए गए हैं। तो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। आप समझे, आप हम तो डेबीना की बात कर रहे थे जो छोटे पर्दे की नई नागिन बन के आने वाली है। वैसे टीवी में ऑलरेडी नागिन के नाम से मौनी फेमस है, ये तो सभी को पता है। और जब इसी बारे में हमने डेबीना से पूछा तो देखिए उनका क्या जवाब आया। हम लोग जिस फील्ड में आए हैं वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, फिर भी कंपटीशन से हम लोग डरते नहीं है। जहाँ कंपटीशन नहीं है, खाली मैदान में तीर घुमा के क्या फायदा। तो जहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी है वहाँ पे जाके तलवार घुमा के खेलने में ही मुझे लगता है ज्यादा मजा है। आपने दूसरे प्रोमोस देखे? मतलब जो मैंने देखे, मेरा प्रोमो शूट करने दीजिए परसों, सो फिर हम उसके बारे में भी बात करेंगे। वैसे डेबीना का ये जवाब सुनने के बाद इतना तो साफ है कि उन्हें मौनी से ये कंपैरिजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उनके मुताबिक वो किसी से कम नहीं है। अब चलिए आप ही अपने कमेंट्स के जरिए हमें बता दीजिए कि मौनी और डेबीना में से आपको कौन सी नागिन ज्यादा पसंद है।